नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज बकेट, और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। जिस तरीके से बारिश हुई है और माहौल बारिश का हुआ है, लगातार सीवर भर गए हैं, इस तरीके से गांव वालों ने एकदम उग्र हो गए हैं। एक भाई साहब हैं, एकदम उग्र हो चुके हैं कल, क्योंकि ये नाला साफ़ किए हुए हैं और मीडिया की जैसे गाड़ी आई है, ये कह रहे हैं कि जब हम नाला कल साफ़ कर रहे थे क्यों नहीं आई। तो हम बात करते हैं कि भाई, हम हर चीज़ तो पता होता नहीं है, तो हम इनसे बात पता कर लेते हैं कि क्या मामला है, क्या नाम पड़ेगा। इसलिए जो इसके पहले जो प्रधान था, उसके पहले इस तरफ कोई कुछ नहीं किया, काम किया है, जो काम किया है पहले उधर ही किया है। इधर में खाली यही खाली सीवर डाल दिया बस, वो सीवर जाम हुआ कि नहीं जाम हुआ वो कुछ काम नहीं कराया है। आप अधिकारी के पास गए कि नहीं गए? अरे हम लोग का कल से क्यों नहीं गए? डीएम के पास गए आप? डीएम के पास चले दिन भर का अपना हर्जाना करें हम? भैया भाई साहब, बिना हर्जाना के आपको काम मिल सकता है? आप ये बताइए, आपका नाली साफ करेगा, सफाई कर्मी आएगा तो भाई साफ करेगा? जो हमारा नया प्रधान बना हुआ है उसको अभी शपथ ग्रहण नहीं मिला है। कल हो जाएगा? कल ना होगा? हाँ, तो अब क्या समस्या आप बताइए। समस्या ये कि हम लोग का कुछ नहीं, जो सीवर में करके सबके द्वार में पानी जमा हो रहा है। इसके 5 साल पहले आपकी आँख नहीं खुली थी? नहीं खुली थी। इसलिए जो पहले प्रधान था वो हम लोग की तरफ ना कोई काम नहीं किया है। अच्छा, ये बताइए, जो नया प्रधान आपने चुना है, क्या लगता है कि आपकी समस्या वो सुनेंगे? हाँ सुनेंगे, वो पूरा काम का हमारा नहीं, पुराना प्रधान जो था जिस तरह काम किया था उधर से लेके इधर से लेके हर जगह तक वो काम करेगा, लेकिन जो पुराना प्रधान था एक भी काम नहीं किया। वो पुराना प्रधान 7 साल पहले हमको वादा किया था, इसी जगह आप घड़ाइए तो हमको प्रधान बना दीजिए, हम 100 हैंडपंप गड़वाएंगे तुम्हारे द्वार। आज तक हैंडपंप गड़ा देख लीजिए, गड़ा हुआ यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, उसका प्रधानी पहले वो प्रधानी उसको हम लोग को प्रधानी भी जीता है तो देने गए होंगे तो कुछ तो किए होंगे। वो वादा किया कि हम प्रधानी जीते थे, जीतेंगे हम आपके द्वारा, हम हैंडपंप गड़वाएंगे हम। अच्छा ये बताइए, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास है आपके पास? नहीं कुछ नहीं है, यही खाली हमारा एक तो घर है बस, खाली कुछ नहीं है। ये बताइए, शौचालय की बात करते हैं, शौचालय है आपके यहाँ पर? शौचालय है, मिला है शौचालय? मिला है, 2 ठो अपने घर से बनाए, 1 ठो अपना पैसा लग बनाए, वो अभी तीसरा भी, हम लोग 3 भाई हैं, वो अभी तीसरा का पैसा पास हो गया है। आपको मिला नहीं है? 2 ठो मिला, 1 नहीं मिला। कौन थे पूर्व प्रधान? सदानंद प्रधान। तो वोट तो आप लोगों ने देके जिताया ना? हाँ, इसीलिए जो इतना डर गए, इसीलिए हम लोग अब की बार प्रधानी उन लोग से छीन लिए हैं हम। ठीक है, तो ये प्रधानी इस बार छीन चुके हैं और इनको लगता है कि प्रधानी छीनने से इनका काम हो जाएगा। और भी हमारे साथ महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, ये भी लोग काम करती हैं, क्योंकि इस समय सभी लोग काम से छुटकारा पाए हैं तो बाहर निकले, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या चाची, क्या नाम पड़ेगा आपका? अमरावती। क्या समस्या है आपके गाँव में? अरे यही नाला जाम हो जा रहा है, कोई साफ करने वाला नहीं दिख रहा है। तो ब्लॉक पे जाना चाहिए ना? तो अब हम लोग को तो इतना जानकारी नहीं है कि हम लोग ब्लॉक पर जाएं या साफ कराएं। भाई डूबने लगा, बारिश होने लगा, तो इसी लड़के से कहे कि भाई बाबू चलो साफ कर दो। अच्छा, तू चाची, गांव में जो समस्याएं होती है तो आप लोग किसके पास जाते हैं, किसको बताते हैं? किसी के पास हम लोग नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? अरे अभी तो वो पुराना प्रधान है, उससे हम लोग से उतनी बात नहीं होती। तो आप जब तक अपनी समस्या, नया प्रधान हुए हैं उससे बात होगी भाई। अच्छा ये बताइए, आपके गांव में अगर किसी महिला की तबीयत रात में खराब हो जाए, जच्चा बच्चा केंद्र है? अब होगा हमको नहीं पता है। यहाँ पर जब महिलाओं की प्रेगनेंसी होती है तो कहाँ लेके जाते हैं आप लोग? हमको नहीं पता, हम लोग तो हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जाते, कितनी दूर है यहाँ से? अरे बहुत दूर बा, हम लोग जहाँ मर्जी वहाँ जाते हैं। तो आधी रात में अगर जरूरत पड़ती तो क्या करती है? हम लोग आधी रात को भी जाते हैं काशी विद्यापीठ। हाँ, यहाँ जो प्रधान चुनी है, क्या लगता है आप लोग के लिए कुछ करेंगे? काहे ना करिए, करेंगे। ये प्रधान नंबर 1 का है जिसको हम लोग चुने हुए। अभी हम लोग का काम जब करेंगे तो हम लोग उनको भी कहेंगे। अभी लोग तो हम लोग उनसे पूरा आशा लगाए कि हम लोग का काम करेंगे। अब हाँ भाई, करने पर हम लोग उनकी वर्णन करेंगे कि वो कर रहे हैं। ये चाची हैं और ये लोग लगाए हैं, आस लगाए हुए हैं कि नए प्रधान जो बने हैं इनका काम करेंगे और भी लोग। चाची क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम कुसुम भरी। आवास वास मिला है कि नहीं आपको? नहीं नहीं। क्या प्रधान नहीं दिए पूर्व प्रधान? अरे प्रधान कभी अइले कह बना के कोनो बात तो हमने का करो। अच्छा ये बताइए, का घर दुआ हमने कच्ची गोद भाई सही मने लसस। अच्छा, सुसत भाई शौचालय मिला है? नहीं। कहां जाती है? हमने अपन बनवाउले है। हां दूरी, मजे के दूरी है।
अच्छा स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है? दवा ववा लेने अगर बीमार थोड़ा हल्का फुल्का पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं आप लोग? डॉक्टर ही में जाइला। डॉक्टर प्राइवेट सरकारी? हाँ, नहीं प्राइवेट में। सरकारी यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? कहाँ हो? मिलती है हमने तो ना जाने, फिर भी हमने कहीं भी नहीं पाई। कितने तक पढ़ी हैं आप? अभी ना, अभी 10 में गए। 10 में पढ़ रही हैं। ये बताइए आपकी गांव की क्या समस्या है? वो तो बहुत सा समस्या है, नाली ये सब का मतलब बहुत लगती है, यही सब समस्या है। अच्छा। पर है आवास से वंचित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग बाल्टी में भर भर के पानी लेकर आते हैं। यहाँ पे नल नहीं है, नल ना होने की वजह से इन लोगों को बाल्टी में पानी लेकर आना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास का बात वादा तो करते हैं, लेकिन धरातल पे क्या होना चाहिए वैसा कुछ है नहीं, आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आपको बता दें कि ग्रामीण के जितने लोग हैं वो लोग उग्र हो चुके हैं। जब भी हम लोग खबर करने जाते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि मीडिया पहले कहाँ थी और आज कहाँ थी। आप ये देखिए कि ये तार दिखला रहे हैं और इनका कनेक्शन हुआ था, लेकिन इस समय कनेक्शन कट चुका है, स्मार्ट मीटर लग चुका है, फिर भी वो कागजी कार्रवाई ही में उनका मीटर लगा हुआ है। ये हमारा देखिए इधर मीटर लगा हुआ है, और जिस दिन मीटर लगा हुआ है अभी तक ना ये केबल तार पर टंगा हुआ है नहीं है। अब 22,000 बिल आ चुका है। तो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है और 22,000 बिल आ चुका है भैया, और आवाज तो बना नहीं है, तो 22,000 कैसे ये बिल पे करेंगे इन तो खुद समझ सकते हैं। तो हमारी न्यूज बकेट की टीम रोहनिया विधानसभा के हरिहरपुर गोविंदपुर गांव में पहुंच चुकी है, और यहां के जो नवनिर्वाचित प्रधान है हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गाँव की जो इतनी समस्याएं हैं उनका निवारण कैसे करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बकेट की टीम पर। अपना परिचय एक बार। मैं नवनिर्वाचित प्रधान ग्राम सभा हरिहरपुर, प्रदीप कुमार पटेल। प्रदीप जी, ये बताइए कि आपके गांव की समस्या जो है बहुत जटिल है, और यहाँ पर नसीवर है ना, आवास की भी समस्या है, शौचालय तक नहीं है, यहाँ पर क्या लगता है कितनी चुनौती है आपके सामने? सर, चुनौतियाँ तो यहाँ बहुत हैं, लेकिन हम इसको क्रमबद्ध तरीके से एक तरह से आगे बढ़ाएंगे, इसका समाधान करेंगे। इसमें हमारे यहाँ चुनौतियाँ ये हैं कि सबसे पहले यहाँ न तो सड़क की व्यवस्था सही है, न तो नाला है, सीवर है, कुछ भी व्यवस्था सही नहीं है। आगे चलकर हम लोग पूरी व्यवस्था को सही करेंगे, जिसमें रोड रास्ता जहाँ ख़राब हो पूरा इंटरलॉकिंग या खड़ंजा जो भी हो, सीसी रोड जो भी बने, हमारे माध्यम से बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत विधायक के माध्यम से यहाँ जो है कि अभी तक विद्युतीकरण पूरा नहीं हो पाया। सबसे बड़ी जटिल समस्या कि पूरे तार जर्जर हो चुके हैं, इसको विद्युतीकरण में हम लोग दिए भी हैं। आगे चल के जेई साहब से भी बात हुआ, जाके एक्सचेंज से भी बात हुआ, उन्होंने बोला कि आपका कार्ययोजना में पड़ा है, आपका जल्द ही हो जाएगा। अच्छा, महिलाएं यहाँ की काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही हैं यहाँ की व्यवस्थाओं से, ठीक है, तो आप बताएं यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या सुविधा है? महिलाओं के लिए भी हमारा ये सुविधा है कि जितने भी बुजुर्ग माताएँ एवं विधवा लोग हैं, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के लिए हम लोग अधिक से अधिक प्रयास किया जाएगा। कल से हमारा मुहिम चला है कि हम जाके गांव-गांव में लोगों से कहा कि अपना वृद्धा और विधवा पेंशन के लिए फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के लाके हमको दीजिए, हम आपका पास कराएंगे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर विधायक जी कभी आते हैं क्या? फिलहाल तो अभी 5 साल बीतने वाले हैं, विधायक जी हमारे गाँव में केवल एक बार ही आए। अच्छा। वो भी भाजपा के प्रचार के लिए ही। कौन है विधायक? विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह अवड़े हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो कभी यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता की समस्या सुनने कभी आते नहीं हैं कि नहीं? अभी हम पहले बता चुके हैं आपको कि 5 साल हो गया, विधायक जी केवल एक ही बार आए, वो भी प्रचार के लिए अपने। अच्छा अच्छा, हाँ। तो 2022 का चुनाव आ रहा है, इस बार क्या लगता है विधायक जी की कुर्सी बचेगी या जाएगी? उम्मीद तो पूरी है कि देखिए जनता भरोसे है, जनता काफ़ी नाराज़ है, तो जनता जैसे हमको चुन के लाई है, हो सकता है उनको चुने या किसी और को भी चुने, ये तो जनता के ऊपर निर्धारित करता है कि जनता किसको चुने, कौन अच्छा है कौन बुरा है। अच्छा, अगला मुख्यमंत्री किसको देखते हैं आप? अगला मुख्यमंत्री देखिए कहना है कि अब देखना क्या, जनता ही सबको निर्णय देगा। हमारा भी मानना है कि अखिलेश यादव ही रहेंगे तो अति उत्तम। अच्छा, रहेगा। अखिलेश ही क्यों? अखिलेश जबकि युवा हैं और युवा सोच रखते हैं, काम विकास के बारे में भी सोचते हैं। योगी जी के कार्यकाल से खुश नहीं हैं आप? योगी जी के कार्यकाल से बहुत तो खुश नहीं है, थोड़ा बहुत तो भाई चलता रहता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन रोजगार भी इस समय योगी जी के कार्यकाल में एकदम समाप्त हो चुके हैं, सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं, महंगाई अपने चरम सीमा पे है।
देखा जाए तो हर एक चीज़ पेट्रोल डीजल के साथ अब सरसों का तेल भी दोहरा शतक के ऊपर है। अच्छा, मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा? मोदी जी का कार्यकाल के लिए भाई हम कहेंगे वो देश के लिए कार्य कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम गरीब जनता को भी देखे कि क्योंकि आगे ही भविष्य यहीं से है, न कि ऊपर से है। जनता ही खुश रहेगी तो सब कुछ रहेगा। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार इस बार 2022 का चुनाव होने वाला, रोजगार एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, यहाँ महिलाएं भी, उनसे भी जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम रेणु देवी वर्मा है। आई एम अ विडो एंड आई एम अनएम्प्लॉयमेंट। आई एम एम ए बी एड बट आई एम मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं एक बेरोजगार हूँ। मैं एम ए बी एड की हूँ, सी टेट पास हूँ, यहाँ तक कि 69,000 भर्ती में भी मैंने 100+ मार्क ला करके भी बाहर हैं, बिकॉज इसमें एकेडमिक जोड़ा गया, मेरा एकेडमिक लो है, और इसलिए हम लोग को रोज़गार चाहिए। रोज़गार के नाम पर योगी और मोदी दोनों ने मिल करके बहुत ही अधिक धांधली किया हुआ है, हम लोग को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। एक विधवा महिला है, 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, प्राइवेट नौकरी करके किसी तरह से खर्चा चला रहे थे, और ये लॉकडाउन लगने की वजह से हम लोग का रोज़गार भी एकदम से समाप्त हो चुका, जीविकोपार्जन की बहुत अधिक समस्या है। हमें योगी मोदी से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए कि हम लोग को रोज़गार प्रदान करें। वैसे तो कहते थे कि हमारे देश में पढ़े लिखों की कमी है, लेकिन आज तक कितने ही युवा हैं जो कि पढ़ लिख के बैठे हैं और उन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। दर की ठोकरें हम लोग खा रहे हैं, इससे क्या लाभ है? देश का विकास होगा? कुछ नहीं होगा। आने वाले समय में हो सकता है कि देश हमारा विकासशील देश की श्रेणी से भी निकल जाए और एकदम निम्न श्रेणी के उसमें आ जाए, इसलिए हम उनसे यही गुजारिश करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप रोजगार की बात करें, आपके घर का खर्च कैसे चलता है? हमारे घर का खर्च चलता है, प्राइवेट नौकरी करते हैं, उसी से चलाते हैं। मेरे पास एक बच्चा है, पति है ना, एक्सपायर कर चुके हैं। लॉकडाउन में कितनी समस्या हुई आपको? लॉकडाउन में बहुत अधिक समस्या हुई, खाने पीने की भी समस्या हुई। मात्र 500 रुपये महीने वो देते हैं विधवा पेंशन, 500 रुपये महीने से आप बताइए कि अपना खर्चा देखेंगे, अपने बच्चे का खर्चा देखेंगे? और वैसे भी 500 रुपये महीने दे करके वे हमें अपंग कर रहे हैं, 500 रुपये में खर्चा नहीं चलता। हमको रोज़गार चाहिए जिससे कि हमारा जीविकोपार्जन हो सके, और हम क्या 500 रुपये महीने उन्हीं को दे, वो 500 रुपये में अपना खर्चा चला लेंगे? उनसे हम अपना क्वेश्चन सवाल पूछते हैं, ये बताइए। जितने भी यहाँ पर युवा लोग हैं, जितने भी अनपढ़ मतलब पढ़ लिख करके जो बैठे हैं, वे उनके अगर अपने हैं, अपने ही उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने, माननीय श्री मुख्यमंत्री ने ही अपने ही भाई को नियुक्ति दिलवाया EWS के नाम पर। बताइए, EWS उनका बेटा, उनका भाई था? नहीं था। मात्र इतना उठने लगा मुद्दा, तब उन्होंने आकर के रिजाइन दिया, ऐसा क्योंकि वो अच्छा, 2022 का चुनाव आने जा रहा है, क्या लगता है मोदी जी, योगी जी का कार्यकाल कैसा रहने वाला है अगला? योगी जी के कार्यकाल रोजगार के नाम पर तो नहीं होगा, और अगर अन्य कोई विकास किए होंगे, हाँ नेशनल पर है, नेशनल इंटरनेशनल पर उन्होंने किया है काम, बट उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर नहीं किया है, इसलिए कि हम लोग को रोज़गार उन्होंने नहीं दिया है। रोज़गार के नाम पर 5 साल में उन्होंने कोई वैकेंसी नहीं निकाली, और जो वैकेंसी निकाला भी वो लटकी हुई है। 69,000 भर्ती जो है, अभी 7,000+ सीटें उसमें बची हुई हैं, हम लोग थर्ड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, बट वो उसका काउंसलिंग का नामो निशान नहीं है, अब करवाएंगे तब करवाएंगे, लगा हुआ है। अच्छा, 2022 का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है कि इस बार योगी जी फिर से सत्ता में आएंगे क्या? योगी जी सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल वर्क किया है। अच्छा, रोजगार के मुद्दे पर घिरने के बाद भी? रोजगार पे क्योंकि जनता है, अब देखते हैं, युवा नाराज है, वे नहीं देंगे तो नहीं आएंगे। तो फिलहाल अभी भी जो चुनावी समीकरण है उसका अभी निर्णायक फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर कहीं ना कहीं भाजपा घिरी हुई नजर आ रही है। फिलहाल आगे भी हम आपको चुनाव पेश है। न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़े इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।